इंदौर क्राइम ब्रांच ने पिछले दिनों फर्जी ऋण पुस्तिका बनाकर कोर्ट से जमानत करवाने वाले 15 आरोपी दलालों को गिरफ्तार किया था। जहां इंदौर क्राइम ब्रांच इंदौर द्वारा जो प्रिंटिंग प्रेस पर छापामार कार्रवाई करते हुए फर्जी ऋण पुस्तिका को फर्जी तरीके से छापने और फर्जी जमानत करवाने वाले 3 आरोपियों को और गिरफ्तार किया गया। आरोपियों की संख्या बढ़कर अब 18 तक जा पहुंची है। अभी तक लगभग हम 16 लोगों को उसमें अरेस्ट कर चुके हैं, उसमें जिन्होंने उसको छापा ऋण पुस्तिका को, और वो लोग इसमें अरेस्ट किए गए हैं। तो इसमें उसके अलावा जो दलाल जो सक्रिय थे, जो मेन आरोपी प्रकाश था उसके साथ में जो दलाल जो सक्रिय थे, जो उससे ऋण पुस्तिका लेकर अलग अलग विभिन्न कोर्टों में उसको चलाते थे और फर्जी जमानतदार खड़े करते थे, तो उनको भी अरेस्ट किया गया है। अभी हाल में 3 लोगों को और अरेस्ट किया गया है। कुल 16 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। और इस तरह के जितने भी दलाल हैं और जो प्रकाश के साथ मिलकर इस तरह के पूरे कार्य को अंजाम देते थे, तो उनकी भी जांच पड़ताल चल रही है। इसमें हम लोग ये जानकारी भी जुटा रहे हैं कि जिन जिन केसेस में ये फर्जी जमानतें इस्तेमाल हुई हैं, तो उसका भी हम एक डेटाबेस बना रहे हैं। उसमें हम न्यायालय के सहयोग से पूरी जानकारी तैयार कर रहे हैं। कितनी प्रिंटिंग प्रेस पे छापा मारा गया? 2 प्रिंटिंग प्रेस हमको ऐसी मिली हैं जहाँ से ये पुस्तकें बनी थी, और उसमें उन दोनों प्रिंटिंग प्रेस पर हम कार्रवाई कर चुके हैं। अभी तक टोटल आरोपी कितना हो गए? टोटल लगभग इसमें अभी तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।